एक लड़की जब दुल्हन बनकर के डोली में बैठती है उससे पहले अपने पिता की पिस्टल को अपनी साड़ी में छिपा लेती है। जैसे ही बारात गांव से बाहर जाती है, डोली गांव से बाहर जाती है, सुनसान रास्ता देख करके दुल्हन बोलती है कहारों से कि डोली नीचे रख दीजिए। जैसे ही कहार डोली नीचे रखते हैं दुल्हन बाहर आती है और आ करके अपनी साड़ी से पिस्टल बाहर निकालती है और निकाल के कहती है कि भाग जाओ सभी लोग यहाँ से वरना गोली मार दूँगी। मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। इससे पहले कि आप सब लोग आज की लव से लभा लव स्टोरी में खो जाएं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा दिल भी धड़कता रहे। साथियों आज की जो लव स्टोरी है ये बिहार राज्य के मधुबनी ज़िला की है। मधुबनी ज़िला में माधव सिंह नाम के एक जमींदार रहते थे। ये कहानी थोड़ी सी पुरानी है लेकिन है सच्ची। माधव सिंह जी की एक बिटिया थी, बड़ी प्यारी सी, बड़ी खूबसूरत सी बिटिया। उसकी आँखें, उसकी गाल, उसके होंठ, उसकी चाल, उसके बाल सब इतने खूबसूरती से बनाए गए थे उस परम पिता परमेश्वर के द्वारा। उस ब्रह्मा को लगता था घूस दे करके बनवाया गया है। कमाल की उसकी जो है कि शरीर की बनावट थी, उसके शरीर की रचना थी कि जो भी देखे सिर्फ देखता ही रह जाए, पलकें आँखों की झपकना भूल जाएँ। इतनी खूबसूरत थी, उसका नाम था कंचन। कंचन 18 साल की जब होती है तो वो कॉलेज जाती है, पढ़ने लगती है और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे समय बीतता है और एक रंजन नाम के लड़के से नैन मटक्का हो जाता है, लव हो जाता है और ये लव धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपने आसमान को छूने लगता है। यानी सातों जन्मों की रस्में कस्में खाई जाती हैं, एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं ये लोग कि इनके प्यार के खिस्से बढ़ते 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 इस कंचन के पिता को बात पता चल जाती है। जब पिता को ये बात पता चलती है कि मेरी बिटिया एक रंजन नाम के छोटे मोटे आदमी से मोहब्बत कर बैठी है तो वो गुस्से में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं और अपनी बिटिया को घर में कैद कर देते हैं और कहते हैं कि बहुत हो चुकी पढ़ाई लिखाई, आज के बाद तुम्हारा स्कूल जाना, पढ़ाई लिखाई करना सब बंद, क्योंकि तू हमारे खानदान और बिरादरी का नाक कटाने पे लगी हुई है, तू इश्कबाजी कर रही है, आज के बाद तुझे पढ़ने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो रंजन था वो कॉलेज जाता आता, लोगों से पूछता कि आजकल कंचन दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन क्या हुआ, वो स्कूल आती ही नहीं है। बड़ा लोगों से पूछने लगा इधर उधर तो पता चला दोस्तों से कि उसकी जो प्रेमिका है उसको उसके पिता ने घर में ही कैद करके रखा है, उसको पढ़ने नहीं आने देना चाहते हैं क्योंकि उनको ये सारी बातें पता चल गई हैं तुम्हारी और कंचन के बीच की कि तुम लोग क्या कर रहे हो, पढ़ाई के नाम पे तुम लोग इलू इलू कर रहे हो, तो इसलिए उन्होंने उसको घर में ही कैद कर दिया है। फिर वो कहते हैं ना, जब प्यार परवान चढ़ता है तो कुछ नहीं सूझता। वो रंजन नाम का लड़का एक दिन आओ ना देखा ना ताओ पहुंच गया अपनी प्रेमिका के घर और वहाँ पे पहले से ही माधव सिंह द्वार पे ही बैठे हुए थे और जा करके बोलता है कि मेरा नाम रंजन है। बोलते हैं हाँ, तुझे बहुत प्यार का बुखार चढ़ाया ना, तुझे प्यार का जो भूत चढ़ाया ना तेरे सर पे उतार दूंगा, आज वो भूत तुझे खींच कर ले ही आया मेरे दरवाजे। और माधव सिंह उठते हैं और उसको इतना मारते हैं और कहते हैं भाग जा यहाँ से, मेरे घर के सामने दोबारा भटकने की कोशिश मत करना, नहीं तो मार के तंगड़ी मंगड़ी तोड़ दूंगा। उसको भगा देते हैं, वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद सोचते हैं कि ये करूँ तो क्या करूँ, बड़े परेशान रहते हैं। फिर अचानक से उनके मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना अपनी बिटिया के हाथ पीले कर देता हूँ और ये भी अपने संसार में बिजी हो जाएगी, अपने जो है ससुराल में बिजी हो जाएगी और ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, वो भी भूल जाएगा, ये भी भूल जाएगी और मेरी बिरादरी में नाक ऊंची बनी रहेगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर जब कंचन को ये बात पता चलती है कि मेरे पापा, मेरे पिताजी मेरी शादी तय कर दिए हैं, मेरी शादी होने वाली है, बारात आने वाली है कुछ दिनों बाद, तो वो अपने पिता से रो रो करके अपनी प्रेम कहानी कहती है कि पिताजी मैं मर जाऊंगी, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं रंजन से प्यार प्रेम करती हूं, मैं उसी से शादी करूंगी। तो कहते हैं चुप,
बहुत हो गया तुम्हारे प्रेम का प्रलाप। आज के बाद अगर तूने उसका नाम भी लिया ना तो जबान काट करके फेंक दूंगा। और इस तरीके से बड़े ही ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में जब उन्होंने बोला, उस निर्लज्ज का नाम मेरे सामने मत लेना, और हाँ मैं जहाँ शादी कर रहा हूँ चुपचाप शादी कर ले, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद इसकी शादी का डेट आ जाता है, बारात आती है, शादी होती है, फिर उसके बाद जब डोली जाने लगती है, क्योंकि पहले के ज़माने की ये बात है, उस समय डोली से बारात जाया करती थी, तो जब दुल्हन को डोली में बिठाया जा रहा था तो दुल्हन घर में जब अकेली बैठी थी रात को, तो वो चुपके से अपने पिता की पिस्टल, क्योंकि ज़मींदार आदमी थे इनके पास पिस्टल वगैरह रहा करती थी, चुपके से पिस्टल उठाती है और अपने साड़ी में छिपा लेती है और उसके बाद डोली में बैठ करके चल देती है। जब डोली में बैठ करके जाने लगती है तो गांव पड़ता है, गांव से जब बाहर जाती है डोली, जब आगे बढ़ती है, जब सुनसान रास्ता पड़ता है, तो वहाँ सुनसान रास्ता देख करके दोस्तों ये दुल्हन बोलती है कि डोली नीचे रख दीजिए। तो कहारों ने डोली नीचे रख दी, और जैसे ही डोली नीचे रखा, दुल्हन बाहर आती है और आ करके अपनी साड़ी से ये पिस्टल निकालती है और निकाल करके सबको दिखाते हुए कहती है कि भाग जाओ यहाँ से सब लोग, वरना गोली मार दूँगी। जब ऐसा उसने कहा तो बहुत लोगों के पसीने छूट गए, नंगे पांव, दबे पांव, उल्टे पांव भागे, जो जिधर भागा वो उधर भागा, सब भागे, लेकिन दुल्हा वहीं चुपचाप खड़ा रहा। तो दुल्हन ने कहा, तुम्हें कोई अलग से निमंत्रण देना पड़ेगा, भागो, तुम भी भागो यहाँ से। दुल्हा ने कहा कि बात क्या है, ऐसा क्यों कर रही हो तुम, अरे तुमसे शादी किया है मैंने। बोलती है कि सुनो इधर आओ, शादी ही किया है ना, शादी का मतलब समझते हो, अरे मेरे शरीर को लेकर करोगे क्या तुम, मेरी आत्मा, मेरा दिल, मेरा जिगर, मेरे जिगर का टुकड़ा कोई और है ना, मैं उससे बे इंतहा मोहब्बत करती हूँ, तुम भी यहाँ से भाग जाओ वरना मैं गोली मार दूँगी तुमको भी। वो कहता है ठीक है ठीक है, मैं भी चला जाता हूँ, लेकिन ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई। बोला पहले मैं कैसे बताती, मेरे पिता ने मुझे घर में कैद करके रखा था और उन्होंने जो है मेरे प्रेमी को बहुत मारा पीटा, उसको भगा दिया घर से और आनन फानन में जल्द ही मेरी शादी कर दी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी शादी कितनी जल्दी हो गई, अभी कुछ ही दिन पहले तो हमारा तुम्हारा रिश्ता तय हुआ और अभी तुम डोली लेकर बारात लेकर आ गए। तो मैं सच कहती हूँ, आप चले जाइए, आप अपनी ज़िंदगी बसाइए, मेरी ज़िंदगी में दखलंदाजी मत करिए, क्योंकि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ और मैं उसी की हूँ, दिलो जान से उसी की हूँ। जब ये बात दुल्हा सुनता है तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर ये उसी रूप में, दुल्हन के भेष में, जोड़ा पहने हुए, बंदूक लिए हुए अपने प्रेमी के घर पहुंच जाती है। जब प्रेमी के घर पहुंचती है तो प्रेमी देखता है, प्रेमी के परिवार वाले देखते हैं, वो भी दंग रह जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, ये कैसी लड़की है। तो रंजन के माता पिता भी उसको स्वीकार नहीं करते, अरे ये तो पूरी की पूरी डाकू है, ये हमारी बहू बनने के काबिल नहीं, हमने तो सोचा था बड़ी खूबसूरत है, बड़ी प्यारी सी है और बड़ी ही नाजुक सी है, लेकिन ये तो पूरी की पूरी जो है ये तो गुंडा है, ये तो पूरी की पूरी जो है कि डाकू है। तो वो भी नहीं स्वीकार करते हैं। रंजन बार बार कहता है कि नहीं मम्मी पापा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्यार है, मोहब्बत है। बोलते हैं अरे प्यार मोहब्बत ऐसा होता है क्या, पापा की बंदूक लेकर के चली आई है, बारात इसकी जो है कि भगा दी इसने बंदूक के दम पे, दूल्हे को भगा दिया, तू कहता है ये प्यार है, भाग जा तू भी हमारे घर से। उसके माँ बाप, रंजन के माँ बाप भी उसको भगा देते हैं। ये दोनों लोग फिर इतनी मोहब्बत करते थे एक दूसरे से कि ये लोग जा कर के जो है मंदिर में जा कर के, पहले का ज़माना था, मंदिर में जा कर के ऐसे ही शादी कर लेते हैं भगवान को साक्षी मान करके। और इस तरीके से मेरे प्यारे साथियों, ये कहानी में ये प्रेम इतना गजब का दिखाया गया है कि अगर वो परवान चढ़ जाता है, प्रेम जब आसमान को छूता है ना, ये प्रेम, जो प्रेम आप लोग देख रहे हैं इस कहानी में, तो वो कुछ नहीं देखता, न जात देखता है, न पात देखता है, न खानदान देखता है, न पानदान देखता है, न थुकदान देखता है, कुछ भी नहीं देखता मेरे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ प्रेम, प्रेम, प्रेम,
बस और कुछ नहीं। क्या इज्जत होती है, क्या नाक होती है, क्या पगड़ी होती है, क्या होता है ये समाज की रस्में रिवाजें, कुछ नहीं देखता। तो मेरे दोस्तों, तो ये रही आज की लव से लवालव स्टोरी। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।